कोरोना, नकली गॉड, नकली जाति, सच्चा कोरोना। कोरोना के बारे में आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी मुझसे बेहतर जानकारी रखता है, मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। इसका प्रचार प्रसार जितनी तेजी से पूरी दुनिया में हुआ, जितना इसका फैलाव हुआ, वो अपने आप में आज के समय में देखने लायक है, क्योंकि जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और पहुंचती है। और अगर जानकारी जान पर पड़ी हो, जान बचाने पर पड़ी हो, जान पे आन पड़ी हो, फिर तो कहने ही क्या, वो सुपरसोनिक स्पीड से, आवाज की गति से भी तेज पहुंचती है लोगों के पास तक। मगर कोरोना इतना खराब नहीं है जितना उसको घोषित किया गया है। कोरोना अच्छा है। जो मच्छू है, मृत्यु है, डेथ है, वो सर्टिफाइड है, वो सभी को आनी है। जब भी किसी जीव का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके साथ उसके सॉफ्टवेयर में उसकी मृत्यु की भी एक फाइल होती है, मच्छू की डेथ की भी एक फाइल होती है। अगर प्राकृतिक डेथ होती है तो नेचुरल रूप से वो आगे बढ़ती है और धीरे धीरे कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। और अगर अप्राकृतिक यानी इननेचुरल होती है तो वो नेचुरल मौत के बजाय कभी भी किसी भी समय मारा जा सकता है, मर सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये हेतुवाद पे यानी कॉज एंड जेनेसिस पे डिपेंड करता है, क्या कारण बने उसके, क्या नहीं बने। ये भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से मच्छू के बारे में, मृत्यु के बारे में बताया हुआ। कोरोना क्यों अच्छा है? कोरोना इसलिए अच्छा है कि कोरोना किसी वीजा को, किसी बाउंड्री को, किसी देश को, किसी कंट्री को नहीं मानता। जैसे मनुष्य ने बहुत सारी बाउंड्रीज और बहुत सारे वीजा बहुत सारे लोगों से मिलने की रोकने के बांट लिए हैं, छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं पूरी दुनिया के, और वो बहुत ज्यादा वर्ण भेद यानी कि जो रंग का भेद है इसको वर्ण भेद बोलते हैं, रंग भेद। या भारत के अंदर तो सबसे ज्यादा जो विष अणु है वो है जाति भेद है, या अमीर गरीब का भेद है, छोटे बड़े का है, काले गोरे का है, पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, कमजोर का है, ताकतवर का है। ये बहुत सारे भेद मनुष्य ने खुद ही अपने आप डेवलप किए हैं। कोरोना ने इनमें कोई भेदभाव नहीं किया, वो सबके लिए समान रूप से आता है, समान रूप से अपना डेवलपमेंट करता है, समान रूप से अपनी ताकत को लगाता है। उसके लिए मनुष्य मनुष्य है, मानव मानव एक समान, कोरोना की यही पहचान। और मानव मानव एक समान, यही भगवान बुद्ध ने कहा है सभी के लिए करुणा है, चाहे वो मानव किसी भी देश का हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, नाटा हो लंबा हो पतला हो, पहाड़ पर रहने वाला हो, समुद्र में रहने वाला हो, समतल में रहने वाला हो, पठार पर रहने वाला हो, रेगिस्तान में रहने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी तरह से सभी मनुष्य को बराबर मानते हुए उन्होंने ये प्राकृतिक नियम जिसको धम्म कहते हैं वो दिए थे। कोरोना भी इस बात को मानता है और जानता है। जो ये अदना सा विष अणु है, कोरोना वायरस को विष अणु बोलते हैं, विष का अणु या विषाणु भी बोलते हैं। ये जो विष का अणु है छोटा सा कोरोना, ये कोरोना बड़े कमाल का है। ये किसी भी गॉड से नहीं डरता, सारे गॉड इससे डरते हैं। जितने भी दुनिया में गॉड हैं सब बौखलाए हुए हैं, सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। कुछ जो गॉड हैं उन्होंने तो अपने मुंह के ऊपर मास्क भी लगा लिए हैं। यानी कि गॉड से बड़ा अगर है तो वो वायरस है, विष अणु है, जो इस समय पूरी दुनिया को दहशत में रखता है। जितने भी गॉड के दरबार थे या गॉड की लीलाएं थी, गॉड का मंचन था, गॉड की असेंबली थी, या गॉड के नाम पे जितने भी लोग इकट्ठे हुआ करते थे, वो सारे के सारे आज नदारत हैं, सब गायब हैं। जान पे बड़ी, जान पे बनी, जान आफत में आई, जान संकट में आई, लाइफ डेंजर में आई, तो गॉड भी गायब हो गए, अपनी जान बचाने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो ये बात तय हो गई, कोरोना ने यह सिद्ध कर दिया कि गॉड जो बना है वो मनुष्य ने बनाया है। अगर गॉड ने सब बनाए होते तो वायरस भी गॉड ने ही बनाया होता, फिर मनुष्यों को गॉड से या गॉड की रचना से डरने की आवश्यकता भी क्या पड़ती। ये बहुत क्लियर मैसेज एक पूरी दुनिया में दिया। पढ़े लिखे लोग तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गॉड को लोगों ने बनाया है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम जानते हैं, कम जानकार हैं, जिनकी जानकारी कम है, उनको ऐसा लगता है कि गॉड कोई नेचुरल चीज है, क्योंकि जानवरों को कभी गॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कभी किसी गॉड के स्थल पे या गॉड के किसी प्लेस पे नहीं जाते, ना ही वो कोई वर्शिप करते हैं, ना ही पूजा पाठ करते हैं, ना ही कोई साहित्य पढ़ते हैं, और बड़े मस्त रहते हैं, बड़े स्वस्थ रहते हैं। कोरोना
एक बात स्पष्ट कहता है कि जो जानकारी है वो प्रधान है। यानी कोरोना डरता किससे है? जानकारी से, पहिया से, समझ से, विजडम से। कोरोना कहता है कि मुझे अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो जानकारी से लगता है। अगर आप मेरे बारे में जानकारी हासिल कर लोगे कि मैं कैसे कैसे काम करता हूं, क्या मेरा आना जाना है, क्या मेरा समय है, क्या क्रियाकलाप है और मैं कैसे मरता हूं, तो मैं मारा जा सकता हूं। भाईचारे से, प्रेम से, प्रकृति से मैं मारा जाता हूं, मैं खत्म हो जाता हूं, मैं दोबारा नहीं आता। क्योंकि इंसान इंसान की मदद करता है, जानकारी करता है, तो फिर वायरस कोरोना कमजोर पड़ता है। वो कहता है कि अगर आप जीव हत्या करोगे तो मैं आऊंगा, अगर आप गंदगी रखोगे तो मैं आऊंगा, अगर आप लोगों को अनपढ़ रखोगे, लोगों को जानवरों जैसी स्थिति में रखोगे तो मैं बार बार आऊंगा और उग्र रूप में आऊंगा। वो कहता है कि अगर आप प्राकृतिक नियम नहीं मानोगे तो मैं हमेशा रहूंगा, बार बार आऊंगा। अगर आप प्राकृतिक नियम मानोगे तो मैं फिर जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आप अगर नेचुरल रूल्स को फॉलो करोगे जो प्रकृति ने दिए हैं मनुष्य के लिए, जिसको धम्म कहते हैं, फिर मैं नहीं आऊंगा लौट के, ये कोरोना कहता है। तो कोरोना अच्छा है, कोरोना खराब है? बेसिकली कोरोना मनुष्य के लिए नहीं बना, जानवर में ये रहता है, मगर मनुष्य ने जो धम्म का कम है, जो कर्मा है, जिसको नेचुरल रूल बोलते हैं, वो तोड़ा, उन जानवरों को मारा, उन जानवरों को बहुत बहसी तरीके से काट कर खाया, जो प्रकृति का बहुत ज्यादा अंग है, अभिन्न अंग है और प्रकृति को लगातार सहायता करते हैं। प्रकृति अपनी ताकत दिखाते हुए उस वायरस को डेवलप करके और उनके मारने वाले लोगों तक पहुंचा देती है। ये वायरस बहुत बार बीच बीच में आते हैं। जो जितने भी वायरस हैं उनका कारण गंदगी और अनपढ़ता और प्राकृतिक नियमों का जो विरोध है, तभी वायरस पनपता है। वरना मनुष्य 5 करोड़ साल से डेवलप हो रहा है और बन रहा है, आज तक ऐसी स्थिति नहीं आती कि पूरी दुनिया एक साथ बंद होने के कगार पर आ जाए। इसलिए प्रकृति का सम्मान करें, नेचर का सम्मान करें। भगवान बुद्ध ने जो नेचुरल रूल्स बताए हैं, प्राकृतिक रूल्स बताए हैं, उन्हें एक बार देख जरूर लें। उनके अंदर पाणाति पाता वीरमणि है, यानी कि हत्या नहीं करेंगे, ऐसी आप प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, उसमें झूठ नहीं बोलेंगे आप, व्यभिचार नहीं करेंगे और कोई नशा पता नहीं करेंगे। ये बेसिक 5 रूल हैं, इनको फॉलो करेंगे तो वायरस आपसे दूर रहेगा। वायरस कभी डेवलप ही नहीं होगा, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, आप भी उसको परेशान मत कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जब तक कोरोना वायरस रहेगा या उसकी संभावना है, आपने एक दूसरे का अभिवादन नमस्कार करके करना है। ये बुद्ध के समय का ओरिजिनल शब्द है नमस्कार, जो बाद में नमस्कार में बदल दिया गया, और संस्कृत भाषा में नमस्ते बोलते हैं। बुद्ध की बहुत सारी मुद्राएं हैं जो अंजलि करणियों या जो करबद्ध के रूप में आती हैं, फोल्डेड हैंड के रूप में आती हैं, ये सेफ हैं आज के समय में। और तब भी जब कभी वायरल डिसीज हो या किसी को सर्दी जुकाम हो, घर में आते जाते समय सभी बच्चों को नमस्कार करें। मेरा भी कोरोना के समय आपको नमस्कार। धन्यवाद। Time.